है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, सभी राज्यों से यहाँ अपने प्रतिनिधि आए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर चलने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का अधिवेशन है। राजनाथ सिंह जी यहाँ आए हैं दलितों को न्याय देने के लिए। राजनाथ सिंह जी यहाँ आए हैं दलितों को न्याय देने के लिए। मैं जा रहा हूँ दलितों के दुश्मनों का बदला देने के लिए। हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इस सरकार में गृह मंत्री पद का नंबर दो का पद राजनाथ सिंह जी संभालते हैं, जो है उत्तर प्रदेश के और सारे देश के किंग, उनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह साहब के और मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। जब मैं कांग्रेस पार्टी वालों के साथ भी था तो वो मेरा भाषण सुनते थे, और अभी मैं बीजेपी की तरफ आ गया हूँ तो मेरा भाषण कांग्रेस वाले सुनते थे। वो पार्लियामेंट में मैं मेरी भूमिका है ना, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नीला झंडा लेकर जब 2014 का वर्ष आया था, देश में बहुत सारा भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, 2G स्पेक्ट्रम का, कॉमनवेल्थ का, कोयला का, सब बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, दलितों पर अत्याचार तो तब भी होते थे, आज भी होते हैं। दलितों पर अत्याचार होने का कारण जातिवाद है। मैंने लोकसभा में, मैंने राज्यसभा में भी ये भूमिका बहुत बार रखी है कि अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज देश को आजादी मिलकर 70-71 साल हो जाएंगे, दलितों पर अत्याचार होना अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी दलितों के न्याय के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी देश को जोड़ने की कोशिश करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें शांति का संदेश दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रूढ़ी और परंपरा को खत्म करने की भूमिका रखी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने सबको जोड़ने का काम किया। और आज नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। अभी अभी नीला नीला दिख रहा है आकाश, हो जाएगा सबका साथ सबका। नरेंद्र मोदी जी का काम चल रहा है, जगह क्यों नहीं हो जाएगा देश का विकास, हो जाएगा एकदम सब होगा, ऐसा नहीं है, कोशिश तो जारी है। हमारे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने हम सब लोगों के, राजनाथ सिंह साहब थे, मैं भी था, बोला कि मैं गरीबों के लिए मैं सत्ता में आया हूँ, एकदम न्याय। बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा अनाउंस हो रही है, एकदम फायदा होगा नहीं। यूपी में हमारी 2 सीट चली गई, राजनीति में होता ही है, कभी विजय होता है कभी पराजय होता है। और मुझे कुछ पत्रकारों ने पूछा तो मैं बोला तो 1 साल नहीं चाहिए था, हमको 5 साल चाहिए। तभी 1 साल का चुनाव था, ठीक बात है, वहां हमारी बहन उधर चली गई, जिस भाई के साथ इनका कभी पटता भी नहीं था, एक दूसरे के खिलाफ बहुत आवाज उठाती थी, वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करने का प्रयत्न हमारी बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी ने किया, लेकिन वो मायावती भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से 3 बार मुख्यमंत्री बन गई थी, 3 बार मुख्यमंत्री बनी, यही भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जातिवादी जातिवादी बोलते हैं,
मुझे लगता है कि ठीक बात है, ये तो आरोप प्रत्यारोप करते रहता है। लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है, अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे पर गलत आरोप करने से, राजनीति खेलने से काम नहीं चलेगा, समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के मुताबिक नहीं चलेगा। कौन बोलता है बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान बदलेगा? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी, ये बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान बदल नहीं सकती है। उन्होंने बताया है, नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में बताया है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का ये संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि अगर बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान ना होता तो ये चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी कभी भी प्रधानमंत्री ना होता। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, कभी कभी किसको मेजोरिटी मिलती है, नहीं मिलती है। एक बार अटल जी की सरकार एक वोट से हार गई थी। मैं 98 में हाउस में था, हमारे आरपीआई के चार एमपी थे। तब मैं राजनाथ सिंह साहब, मैं तुम्हारी तरफ आने के मूड में नहीं था। तब मैं तुम्हारी तरफ आने का मेरा मूड होता था तो तुम्हारी सरकार बच सकती थी। तुम्हारी चार एमपी थी, मतलब एक वोट से सरकार हारी थी। कांग्रेस वालों ने मेरे दिमाग में दूसरा कुछ भर दिया था। बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे थे। बीजेपी के नेता मैं कांग्रेस की तरफ से मैं चुनकर आया था, लेकिन अटल जी मराठी बोलते थे। अटल जी बहुत ही सॉफ्ट आदमी थे, सबको साथ में ले जाने वाले आदमी थे। और तब मैं, हमारे दूसरे दो तीन एमपी बोल रहे थे कि मैं अटोले को पूछूं, मैं बोल रहा था मुझे कहीं के लिए पूछूं। तो अगर हम तैयार होते थे तो शायद ये 13 महीने का चुनाव हुआ, 5 साल तक चल सकता था। लेकिन तब मेरा दिमाग उल्टा चलता था, अभी सीधा चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जहां मैं हूं, जो कुछ लोग प्रचार करते हैं कि मैंने तो बोला कि मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का नीला झंडा लेकर, आरपीआई का नीला झंडा लेकर मैं बीजेपी के साथ हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी के साथ में हूँ। और मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि दलितों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में बोलते। नोटबंदी का निर्णय जब लिया तब नरेंद्र मोदी जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने नोटबंदी की भूमिका रखी थी। उसका रिप्रेजेंट देते हुए उन्होंने नोटबंदी की, काला धन ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब इसलिए उन्होंने भीम ऐप शुरू किया, उनको जितना होता है उतना वो कर रहे हैं। देखते 2019 में क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। 2019 में जो होगा देखा जाएगा। और नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और मैं फिर मंत्रिमंडल में आ जाएगा। एकदम हमारा 2 सीट हारने से एकदम कुछ एकदम ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। राजस्थान में उनकी 2 सीट आई, अच्छी बात है। हम स्वागत करते हैं कांग्रेस वालों का, हम स्वागत करते हैं जो चुनकर आए हो समाजवादी पार्टी के लोगों का। लेकिन मैं नहीं स्वागत करता हूँ मायावती का, क्योंकि उन्होंने उधर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, उन्होंने उनका निर्णय ले लिया। लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह साहब को भी जाना है। लेकिन हमारे सभी सभी मेरी पार्टी मणिपुर में है, मिजोरम में है, मेघालय में है, आसाम में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है। सभी कार्यकर्ता इधर आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, आंध्र से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, पांडिचेरी से आए हैं, या मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, सभी राज्यों से यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। महाराष्ट्र से यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए, गुजरात से आए हैं, दादरा नगर हवेली से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, दीव दमन से आए हैं। हर जगह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मैंने पहुंचाने का काम किया है। और इसीलिए दलितों के ही नहीं, तो रिपब्लिकन पार्टी का मतलब है जोड़ने का, हमेशा विवाद पैदा करना ही हमारा मकसद नहीं है। किसी को हमेशा गाली देना हमारा मतलब नहीं है। मतलब आप हमेशा बजाते हैं गाली,
आप हमेशा बजाते ताली, लेकिन हमें चाहिए समता की बाबा साहब अम्बेडकर जी समता के लिए काम करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी युद्ध को छोड़कर बुद्ध के तरफ आए, एक दूसरे का संवाद करने से, मानव का संवाद करने से काम नहीं चलेगा, शांति चाहिए, विकास चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को संविधान दिया है, हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और इसलिए राजनाथ सिंह साहब जो भी हमारे दलितों के सवाल है, भूमिहीनों को जमीन देने की मांग, हमारे लोगों के 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए थी उनकी मांग है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है 2022 तक तमाम लोगों को पक्का मकान मिलेगा, इसी तरह के अनाउंसमेंट मोदी साहब ने की है। उन्होंने हमें सभी मंत्रियों को बताया है कि वह गरीबों के लिए काम करना चाहिए, इसका मतलब हम अमीर लोगों का विरोध नहीं करते, लेकिन काला धन कमाने वालों का हम विरोध करते हैं। और इसीलिए हम सब लोग मिलकर, आप गांव गांव जाएगी, राज्य राज्य जाएगी, रिपब्लिकन पार्टी दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, इतना ही नहीं तो मैंने सवर्णों को भी आरक्षण देने की मांग किया है। राजनाथ सिंह साहब, मेरा कहना यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर दलितों पर और भी ज्यादा अत्याचार होते हैं, इसीलिए मैंने एनडीए की मीटिंग में भी इस मुद्दे को रखा है, प्रधानमंत्री जी के सामने, राजनाथ सिंह साहब के सामने भी मैंने इस मुद्दे को रखा है एनडीए की मीटिंग में। और मैं 4-5 दिन पहले राष्ट्रपति साहब को भी मिला था, मतलब रामनाथ, महामहिम रामनाथ कोविंद जी को भी मिला था, उनके बाद मैंने मांग किया है कि भाई SC ST और OBC के आरक्षण को धक्का ना लगा कर बचे हुए 50% में 25% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाए कि जो लोगों को आरक्षण मिलता नहीं, और ऐसे लोगों को दिया जाए जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है। वैसी फैमिली है जो हमारे महाराष्ट्र में मराठा मांग कर रहे, जाट मांग कर रहे, ठाकुर मांग कर रहे, राजपूत मांग कर रहे, ब्राह्मीण मांग कर रहे, उनको ग्रेमिलियर के पत्थर लगाकर, आर्थिक दिक्कत लगाकर, मुझे लगता है कि अगर हम पार्लियामेंट में कानून पास करेंगे तो मुझे लगता है कि भाई सबको न्याय देने के संबंध में जरूर उसका विचार हो सकता है, तो मेरी पार्टी की एक भूमिका है। और इसी तरह मैं यहाँ जो भी मतलब मुझे मैंने रखे हैं, और आज मेरे हमारे लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है कि राजनाथ सिंह जी आए हैं, ये देश के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी जी के बाद उनका नंबर आता है, वो ही मतलब नंबर 2 के मतलब मंत्री है, और नितिन गडकरी भी आने वाले थे लेकिन जो मध्य प्रदेश में चले गए हैं, रामविलास पासवान जी भी शायद आने वाले हैं लेकिन अभी तक वो आए नहीं है, तो राजनाथ सिंह जी सभी की तरफ से इधर आए हैं और मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनको मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूँ, और रिपब्लिकन पार्टी को मतलब मजबूत करने के लिए जरूर अपनी सरकार की तरफ से मदद हो जाएगी, दलितों के गरीबों के विषय जो है उसको हल करने के लिए जरूर नरेंद्र मोदी जी की कोशिश सफल हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन 2019 मतलब आज हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट का, जो मुझे अविनाश मातेकर जी ने रखे, तो उस मुद्दों को लेकर ये सरकार दलितों के विरोध में नहीं है, ये सरकार संविधान बदलने वाली नहीं है, ये सरकार दलितों का आरक्षण निकालने वाली नहीं है, और ये सरकार जो है एक थोड़ा बीच में भी एक यूनिवर्सिटी का मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद या UGC ने मतलब दलितों का जो आरक्षण है, SC ST का जो आरक्षण है उसको डिपार्टमेंट वाइज करने का निर्णय लेने से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उसके लिए भी अपनी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन पहले ये था कि भाई अगर ये यूनिवर्सिटी में 1000 प्रोफेसर है तो 1000 प्रोफेसर में मतलब वहाँ जो 15% के मुताबिक अपने डिटेल को जो प्रोफेसर है उसको वहाँ ले लिया जाता था, लेकिन अभी डिपार्टमेंट वाइज करने से अगर वहाँ 2-3 जगह निकलेगी तो दलितों को एक ही जगह मिलेगी नहीं, तो इसलिए एक इशू अपना पेंडिंग है, बाकी के भी जो सवाल है उन सवालों पर अपन जरूर विचार करेगी। तो और दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो अत्याचार तो मैंने पहले भी बोला कि सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, BJP की हो, समाजवादी पार्टी की हो, या और किसी अपना आम आदमी पार्टी की हो,
दलित होंगे ऊपर अत्याचार जातिवाद के कारण होते हैं और उस जातिवाद को खत्म करने के लिए हम सब लोगों ने जो कोशिश करनी है और राजनाथ सिंह जी के पास वो मिनिस्ट्री है, वो पूरी पुलिस उनके पास है, पुलिस सिक्योरिटी उनके पास है। अगर आप बड़ा ध्यान दे देंगे तो अत्याचार करने वालों को अंदर अंदर ले जाएंगे तो फिर अत्याचार थोड़ी कम हो सकते हैं, लेकिन जब खेत होते हैं तो अंदर से जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने वाले अत्याचार करते रहिए, दूसरे अत्याचार करते हैं फिर वो अंदर जाते हैं, तो ये काम चलते रहता है। लेकिन सोच उसके बावजूद भी हम सब लोग मिलकर दलितों की सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, दलितों को न्याय देना हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए जरूर अपनी सरकार काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार राजनाथ सिंह साहब का हार्दिक हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।